दिवाली पर्व पर छोड़े गए पटाखों के धुएं और खेतों में कई किसानों द्वारा जलाई गई पराली के कारण आसमान में एक धुएं की ऐसी चादर फैल गई है जिससे आमजन परेशान है। और स्मॉग के कारण ही पिछले एक सप्ताह से अस्पतालों में नेत्रों की समस्याओं से संबंधित मरीजों की संख्या में 4 से 5 गुना वृद्धि हुई है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नेत्र विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि आंखों को लेकर वो सावधानियां बरतें। ये जो पर्यावरण में इस टाइम जो धुआं फैला हुआ है इसकी वजह से आंखों में एलर्जी बड़ी कॉमन हो रही है। एलर्जी बेसिकली मुख्य रूप से जो लक्षण है एलर्जी के, जैसे आंखों में इरिटेशन, खाज, खुजली, लाली आना, पानी आना आंखों में, जलन होना, जलन बड़ी कॉमन है। लोग आते हैं आंखों में लाली है जी, जलन हो रही है बहुत ज़्यादा, वाटरिंग होना, पानी आना, इस तरह की दिक्कतें काफ़ी कॉमन है इस फोग की, जो स्मोक की वजह से। बचाव का यही है जी कि बाइक वगैरह पे, मोटरसाइकिल वगैरह पे चलो तो गॉगल्स यूज करो, और वैसे अगर आप बचाव रखना चाहें तो साफ पानी से दिन में 3-4 बार आंखों को अच्छे से धो सकते हैं, वो भी ठीक रहता है। वही कृषि विभाग के अधिकारियों की माने तो उन्होंने किसानों को जागरूक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी पराली जलाने के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। जिले में अब तक 838 जगह पर पराली को जलाने के मामले सामने आए हैं और 452 मामलों पर 7,25,000 का जुर्माना किया गया। वहीं इस मामले पर कृषि उपनिदेशक डॉक्टर बाबूलाल ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, अगर हम पिछले साल की कंपेयर करें तो करीब 40% अब की बार पराली कम चली है सिरसा डिस्ट्रिक्ट में। अब तक की बात करें 838 केस इंसिडेंट्स हुए हैं अब तक, और जिसमें से हमने 452 जो आइडेंटिफाई कर लिए हैं रेवेन्यू और हमारे डिपार्टमेंट ने, और इसमें 7,25,000 रुपये जुर्माना भी किया गया है, एक FIR भी की गई है। और किसानों को अब भी हम डेमोस्ट्रेशन लगवा रहे हैं किसानों को खेतों में, हैप्पी सीडर से, चॉपर से, SMS मशीन से, और अब की बार काफ़ी असर हुआ है और इंसिडेंस भी एज कम्पेयर टू हम पिछले साल की बात करें तो कम हुआ है। पराली को आग लगा रहे किसानों का कहना है कि पराली जलाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि न तो सरकार की तरफ से उनको सहायता मिल रही है और न ही प्रशासन उनको सहयोग दे रहा है। किसानों का आरोप है कि उनकी मजबूरी है क्योंकि विभाग की तरफ से कोई भी उनको सहायता नहीं मिल पा रही है। देखिए, विभाग ने अब की बार 100 जो हमारा टारगेट है, 59 कस्टम हायरिंग सेंटर अब की बार का टारगेट था, उसमें से हमने 46 तो इस्टेब्लिश कर दी। पिछली बार 70 का टारगेट था, वो कस्टम हायरिंग सेंटर भी हमने इस्टेब्लिश किए हैं। और दूसरा जो भी हमारा टारगेट था, जो इंडिविजुअल फार्मर को भी हमने काफ़ी इम्प्लीमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जो किसान इम्प्लीमेंट लेना चाहे उस पर सब्सिडी है 50%, वो ले सकता है। इस बारे में जब किसानों से बात की गई तो क्या कहना था उनका, आप भी सुनिए। मजबूरी है जी, अगर कोई अधिकारी हमारे को आके पराली के अंदर अगर कोई खेती भिजवा दे तो हम उसके लिए तैयार हैं। वो आके देख ले कितना खर्चा आता है एक किले के ऊपर, हम उसके लिए हमें या हमें कोई सहायता राशि अगर गवर्नमेंट देना चाहती है तो हम इस पराली को जलाने के जलाएंगे नहीं जी। सिरसा जिले में किसानों द्वारा पराली जलाने का दौर अभी भी जारी है। किसानों ने इसे जलाने के लिए रात का ही समय चुना है। हर तरफ देखे तो धुआं ही धुआं नजर आ रहा है, जिस कारण सुबह इसका असर ज्यादा देखने को मिलता है। किसान भी मानते हैं कि पराली जलाने के काफी नुकसान है। अब आंखों में जलन की शिकायत करने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखना होगा इस स्मॉग का असर कब तक रहता है और कब लोगों को इससे निजात मिलेगी। न्यू न्यूज़ फॉर यू के लिए सिरसा से डॉक्टर गुलाब सिंह की रिपोर्ट।